नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी पॉलिटिक्स। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस की अंतर कलह की, कांग्रेस के नेताओं के आपसी मतभेद की, कांग्रेस के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे कटाक्षों की, प्रहारों की, व्यंग्यों की। बात सोशल मीडिया से शुरू होती है और अब चर्चा का विषय भी बन गई है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो दिग्गज नेता आमने सामने हैं। पहले दिग्गज नेता है कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दूसरे बड़े नेता है अरुण यादव, जो कांग्रेस से सांसद रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन दोनों के बीच यह माना जा रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों के बीच अंतर कलह है, खींचतान है, और यह सब शुरू हुआ है सोशल मीडिया की एक पोस्ट में, जिसे फेसबुक में शेयर किया है अरुण यादव ने फेसबुक में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि काश आप ही की तरह जोश से लबरेज हर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हो जाए तो फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम उसके कॉन्स्टेंट मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट में उसकी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के संबंध में ये टिप्पणी या ये सोशल मीडिया में वायरल वीडियो जिसे शेयर किया है अरुण यादव ने क्यों महत्वपूर्ण है। वीडियो देखिए आप। वीडियो देखा आपने, वीडियो में उन्होंने जमकर कसीदे पढ़े हैं अजय कुमार के और कटाक्ष भी किया है कांग्रेस अध्यक्षों को अन्य प्रदेशों के। इसमें यह माना जा रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर कटाक्ष किया है, जिनकी लगातार दूरियां देखने को मिलती रहती है और लगातार जो एक सिक्योरिटी में पैक रहते हैं और उनके अंदर इस तरह का जोश देखने को नहीं मिलता। इस पोस्ट में हम अंदर तक गए जब इसकी कमेंट पढ़े कि कमेंट में कई लोगों ने अरुण यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है, साथ ही साथ यहां तक कह दिया कि कमलनाथ जी तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके पास कार्यकर्ताओं से मिलने का समय नहीं रहता और चारों तरफ सिक्योरिटी की बाउंड्री रहती है। खबर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।